अरे सिमरो माता शारदा अरे दूजा देवी गणेश अरे तीजा तेज ले लाल नारे वर्मा विष्णु महेश गाजो गाजो रे नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और अपना देव के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम आपको बताते हैं अपने देवों के बारे में, अपने लोक देवताओं के बारे में। राजस्थान में बहुत सारे लोक देवता हैं, चाहे रामदेव पीर हों या फिर गोगा देव हों या फिर वीर तेजाजी हों। कहते हैं वीर तेजाजी ने अपने वचन और गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। तो हम आपको ले चलते हैं सुरसरा, जहाँ पर वीर तेजाजी की समाधि बनी हुई है, और जानते हैं वीर तेजाजी की वीर गाथा। गाजो गाजो जेठी आषाढ़ कंवर तीजा रे लग तो ही गाजो सावणी भादवो सुतो किशोरी नींद का। राजस्थान के कई हिस्सों में तेजा दशमी का त्योहार मनाया जाता है और तेजाजी को सांपों का देवता भी माना जाता है। कहते हैं कि लोक देवता तेजाजी का जन्म एक जाट घराने में हुआ था। उनका जन्म नागौर जिले में खरनाल गांव में ताहर जी थिरराज और रामकुमारी को घर माघ शुक्ल 14 विक्रम संवत 1130 29 जनवरी 1074 में हुआ माना जाता था, तथा उस खेत को तेजाजी का धोरा नाम से जाना जाता है। उनके पिता गांव के मुखिया थे। जाट वीर धोलिया वंश गाँव खरनाल के माए आज दिन सुबह भसे बस्ती फूला छाए शुभ दिन 14 वार गुरु शुक्ल माघ पहचान सहस्र 130 में प्रकटे अवतारी ज्ञान। तेजाजी का विवाह बचपन में ही पनेर गांव में रायमल जी की पुत्री पेमल के साथ हो गया था, किंतु शादी के कुछ ही समय बाद उनके पिता और पेमल के मामा में कहासुनी हो गई और तलवार चल गई, जिसमें पेमल के मामा की मौत हो गई। इस कारण उनके विवाह की बात को उन्हें बताया ही नहीं गया था। एक बार तेजाजी को उनकी भाभी ने तानों के रूप में ये बात उनसे कह दी। मण पिस्यो मण पोयो कवर तेजार मण को रानियो खाटो खींचो लीलन खातर दलियो दाणो कवर तेजार साथे तो लियाई भातो निर्णी दौड़ी लार की लार आई कवर तेजार महारा गीगा ना छोड़ आई झूले रोव तो एहड़ा काई भूख भूका कवर तेजार थारी तो परियोड़ी बैठी बाप का। भाभी का जवाब तेजाजी के कलेजे में चुभ गया। तेजाजी ससुराल जाने की कसम खा बैठे। तेजाजी अपनी माँ से पनीर जाने की अनुमति मांगते हैं, वो मना करती हैं। तेजाजी के दृढ़ निश्चय के आगे माँ की एक ना चली। भाभी कहती हैं कि पंडित से शुभ मुहूर्त निकलवा कर ससुराल रवाना होना। पंडित शुभ मुहूर्त के लिए पतड़ा देखकर बताता है कि श्रावण व भादवा के महीने अशुभ हैं। मुहूर्त पतड़ा में कोनी कुंवर तेजार धोली तो देख तेजा देवली सावन भादवा थार भार कंवर तेजार पाछे तो जा जो सासर। तेजा जी बोले, मुझे तीज से पहले पनेर जाना है, शेर को कहीं जाने के लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती। आटा वालो पेर पोतियो तेजो चालियो खेतारे गाड़ा भरियोडू धान सू रोकड़ रुपया भेट तीजा पहलिया पूगड़ो नगरी पनीरा ठेठ सिंह नहीं मुहरत समझ जब चाहे जठे जाए तेजन ले बठे रूकड़ू जद शहर पनीर आए।
कहते हैं ससुराल में तेजा जी की सास ने उन्हें काले नाग द्वारा डसने का श्राप दिया था। तारी जो वे बाड़ी बेल्या म्हारा भूखा बाहे बाबज मारी कठे तो लगाई इतनी देर जी। जब गैया चढ़ने के लिए आती थी तो एक गाय का और रोजी ने दूध पीता था, वो गौ माता यहाँ के खड़ी हो जाती और वो बम्बी में से निकलते हैं और उनके दूध चुग लेते फिर वो गौ माता चले जाती। उसी मतलब नाग देवता ने फिर तेजा जी महाराज के सामने खड़ा हो गया और उनको कहा कि तेरी सासू ने तेरे को शराब दिया, मैं आपको डसूंगा। तो फिर तेजा जी महाराज ने वचन दिया कि मैं गुजरी की लाछा गुजरी की गैया छुड़ा के और फिर वापस आपके पास आ जाऊँगा, फिर आप बाद में मेरे को डस लेना। तो मैं ऐसे कैसे मान लूँगा आप वापस आएंगे या नहीं आएंगे। फिर सूर्य और यहाँ ये खेजड़ा था उनको साक्षी मान के और फिर उन्होंने धर्म दिया कि मैं वापस आपके यहाँ आऊँगा। तो उसके बाद में तेजा जी महाराज यहाँ है तो नाग देवता की घरवाली यहाँ बाहर घूम रही थी तो तेजा जी महाराज ने कहा कि भाई नाग देवता को बम्बी में जाके जगाओ, मैं वचन दिया मैं ये आ गया हूँ। तो फिर उन्होंने मना करा कि मान ला आप चले जाओ, हमने मान लिया। नहीं नहीं मैं वचन दे के गया हूँ तो मेरा वचन नमाऊँगा। तो फिर वो मतलब नाग देवता की घरवाली बम्बी में गई और नाग देवता को बाहर भेजा। तो फिर नाग देवता ने कहा कि तेरे शरीर में सब जगह खून आ रहा है, सब जगह घाव है, मैं तेरे को कांट डसूं। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी पक्की पगतड़े और हाथों की अतड़े मुंडा में जवान ये मेरी साफ्ती है, यहाँ डस लो। फिर नाग देवता ने घोड़े पे चढ़ते हुए आगे वंसड़ा। तो उस टाइम में नाग देवता जो था ना वो कोई साधारण नाग देवता ने ये मतलब शेष नाग का अवतार है। फिर इसी जगह पे फिर तेजा जी महाराज की घरवाली वो अपनी सहेलियों को साथ लेके जो आपके सामने वो साइड में मूर्ति है तेजा जी महाराज को गोद में लिया और फिर उसने भी यही प्राण अपने पति के साथ अपने प्राण नौछावर कर दिए। घराने चालो जी बेला छोड़ के तारे माही तेज घराने चालो जी भावजरा बोल लगा काल दे। ससुराल में किसी अज्ञानता के कारण ससुराल पक्ष से उनकी अवज्ञा हो गई। नाराज तेजा जी वहाँ से वापस लौटने लगे तब पेमल से उनकी प्रथम भेंट उसकी सहेली लाछा गुजरी की यहाँ हुई। उसी रात लाछा गुजरी की गाय मेर के मीड़ा चुरा ले गए। रास्ते में तेजा जी को एक सांप आग में जलता हुआ मिला तो उन्होंने उस सांप को बचा लिया, किंतु वो सांप जोड़े के बिछड़ जाने के कारण अत्यधिक क्रोधित हुआ और उन्हें डसने लगा। तब उन्होंने सांप को लौटते समय डस लेने का वचन दिया और ससुराल की ओर आगे बढ़े। लाछा की प्रार्थना पर वचनबद्ध होकर तेजा जी ने मीणा लुटेरों से संघर्ष कर गाय छुड़ाई। इस गौरक्षा युद्ध में तेजा जी अत्यधिक घायल हो गए। वापस आने पर वचन की पालना में सांप के बिल पर आए तथा पूरे शरीर पर घाव होने के कारण जीभ पर सांप से कटवाया। किशनगढ़ के पास सुरसुरा में सर्प दंश से उनकी मृत्यु भाद्रपद शुक्ल 10 संवत 1160 28 अगस्त 1103 को हो गई और पेमल भी उनके साथ सती हो गई। देवता जल रहे थे तो तेजा जी महाराज ने उनको बचाया, बचाने के बाद नाग देवता ने कुछ कहा तो क्या किंवदंती है? इसमें ऐसा होता है कि सर्प की जो है 1000 वर्ष उम्र होती है और यह है अवतारी वो थे नाग देवता जो जलने के लिए अपने देह का अंतिम करने के लिए जहाँ पे ये जल रही थी आग वहाँ पे जा रहे थे, लेकिन एक सत्यवादी तेजा जी महाराज ने अपने भाले से उन नाग देवताओं को एक तरफ कर दिया। फिर नाग देवता ने कहा अब मेरे को वापस दोबारा इतना ही जन्म देना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को और तपस्या करनी पड़ेगी। आज मैं अपने देह को त्याग रहा था लेकिन इस आपकी वजह से मैं यह नहीं त्याग सका, अतः मैं इसका आपको कुछ ना कुछ परिणाम मिलेगा,
और इसके लिए आपको इसकी सजा मिलेगी। तो बोले मेरे को क्या करना है, बोले कि मैं आपको सर्प के रूप में जो थे नाग देवता मैं आपको डसूंगा। फिर ये मीणा से लड़ते लड़ते पूरे शरीर में लहूलुहान हो गए थे और अंत में इनके तीन शरीर पे शेष बचे थे। और ऐसा है मानते हैं कि जिस जगह से खंडित हो जाते हैं, जिस जगह से खून निकलता है, वहाँ नाग देवता अपना डसते नहीं है। इसके लिए शुद्ध और साफ जगह होनी चाहिए। तेजाजी महाराज ने कहा मेरी हाथ की हथेली, पैर की पगतली और मुँह की जीभ है वो शेष है। तो फिर कहा यहाँ पे चढ़ने के लिए मेरे को क्या है, तो तेजाजी महाराज ने अपनी घोड़ी के ऊपर अपना भाला दिया था और भाले के द्वारा वो चढ़े थे। और आज जहाँ पे भी देखोगे तेजाजी महाराज की मूर्ति है तो ये आपको मिलेगी। और जीभ पे डसे हुए तेजाजी महाराज की जीभ है वहाँ पे ही डसे। लेकिन कलयुग के अंदर क्या आप तो डस लिए, लेकिन इनको कहा गोरक्षक तेजाजी महाराज के मेरी पूजा कैसे होगी, तो बोले सर्प के रूप में आज भी मैं आपको दर्शन दूंगा और कलयुग के अंदर लोक देवता के रूप में मैं आपकी लोक देवता के रूप में मैं आपको यहाँ दशमी के दिन हर जो चांदना पकवाड़ा होता है दशमी का होता है उज्ज्वला पकवाड़ा भादवे की दशमी के दिन मेला लगेगा और सब धूप ध्यान करेंगे। आज भी हमारे गांव के अंदर पूरे घर से नारियल प्रसाद आता है और दशमी के दिन खीर चूरमे का। उस सांप ने उनकी वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। इसी वरदान के कारण तेजाजी भी सांपों के देवता के रूप में पूज्य हुए। गांव-गांव में तेजाजी के देवरे या थान में उनकी तलवारधारी अश्वरोही मूर्ति के साथ नाग देवता की मूर्ति भी होती है। तभी इसे सुरसुरा में तेजाजी के निर्माण दिवस पर मेला चला आ रहा है और पूरे राजस्थान में कई जगहों पर तेजाजी के मंदिर भी बनाए गए हैं। लेकिन ये मान्यता है कि जब तक इस मंदिर से पवित्र अग्नि वहाँ नहीं ले जाई जाएगी तब तक मंदिर का निर्माण शुरू नहीं होता है। सच्चे दिल से जो यात्री पधारते हैं उनकी मनोकामना भी पूरी होती है और नाग जो काला सर्प है या जहरीले जो भी जानवर है वो काट देते हैं। उससे तांती बांधने से, बबूत लगाने से, परिक्रमा देने से तुरंत उनको मतलब जो फायदा मिलता है और यात्री काफ़ी तादाद में ठीक होके जाते हैं। अच्छा, पूरे राजस्थान में भी इनके थानक हैं, अलग अलग जगह थानक हैं, उनको कई ना अलग अलग नाम से भी हैं, कहीं दहलवाल जी कहते हैं, कुछ अलग कहते हैं। देखिए साहब, मुख्य धाम सुरसरा में है क्योंकि यहीं इनके वीरगति को प्राप्त हुए थे, यहीं इनकी धर्मपत्नी सती हुई थी। जो भी मंदिर बनते हैं वो यहाँ से जोत लेके जाते हैं और उस हवन में प्रवेश कराते हैं, तो उसके बाद वहाँ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण होती है। अच्छा, इन्होंने शायद जब ये वीरगति को प्राप्त हो रहे थे और जब इन्होंने देह त्यागी तब इन्होंने कोई तीन निशानियाँ शायद बताई थी कि कंठी और पंख वगैरह, वो क्या क्या चीज़? वो क्या है, जो सर्प के रूप में जो दर्शन दे रहे हैं उनके गले पे एक कंठी है और सिर पे गाय का खुर है, क्योंकि गाय की सेवा के लिए ही इन्होंने सत्य वचन के लिए यहाँ कुर्बानी दी थी उसने। तेजाजी के निर्माण स्थल पर लोग नाचते गाते हुए पहुंचते हैं और तेजाजी के दर्शन करते हैं। कहते हैं कि यहां पर कई बार श्रद्धालुओं को तेजाजी के दर्शन सर्प रूप में साक्षात होते हैं। कई जगह तेजाजी के थानक होने के बाद भी लोग सुरसुरा में तेजाजी की समाधि स्थल पर पहुंचते हैं और चमत्कारिक रूप से अपनी मनोकामना को पूरा होते हुए भी महसूस करते हैं। लेकर हम और बात कर लेते हैं, कहाँ से आए हुआ साहब? किशनगढ़ से आए हैं कि तेजाजी की आस्था ऐसा है दूर दूर से पूरे हिंदुस्तान से
बाबा के यहाँ भोग लगा लिए आते हैं, बाबा का तुरंत चमत्कार है यहाँ जो आया ना आज को चमत्कार मिला इसका। किस तरह का चमत्कार देखते हैं बाबा? खुद प्रकट होता है यहाँ बाबा नाग देव के रूप में या खुद प्रकट होता है? अच्छा, नाग देव के रूप प्रकट होता है। ये भी माना जाता है कि जो भी यहाँ आता है उसके अगर शरीर में कोई विष है, कोई काटते हैं तो वो दूर होता है। मोर की पंख इनके बाबा का क्या है, मोर की पंख बनती है उनकी नाम की, मोर की पंख मान लेता है तो उसमें बाबा के नाम से तैयार हो जाता है। बाबा का एक कहते हैं डसाना है इसको, जीप में डसाना, तो बाबा ने एक वरदान दिया था। अच्छा, तो किस तरह का वरदान? कि भाई जैसे कोई मेरे को डसेगा तो उसके मेरे नाम से बन लेगा और तैयार हो जाएगा। और तेजाजी के ये मान्यता है कि जैसा कहा है, ये मान्यता है कि जो भी यहाँ पर आएगा और यदि उसको किसी वैसे कीट ने काटा है और तेजा के नाम का यदि कोई बंद डोरा बांधा जाता है तो विष काम नहीं करता, वह विषहीन हो जाता है। सुरसरा गांव में इस तेजाजी महाराज की जो कृपा है, असीम कृपा है, और लोगों की मान्यता है कि यहाँ आने वाला शख्स बिल्कुल ठीक हो जाता है जो भी बीमारी हो। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ है दिल्ली से। नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम सुरेश पारीक है। सुरेश भाई, आप दिल्ली से हैं और सुरसरा इतनी दूरी, कैसे आना हुआ और क्या चमत्कार हुआ यहाँ आने से आपके? सभी देवी देवताओं को मानता हूँ, बाबा का नाम जरूर सुना था लेकिन कभी बाबा के स्थान पर नहीं आए और ना ही इनको माना। आज से करीब 23 महीने पहले मेरे दोनों पैरों में पॉइजन हो गया। दिल्ली के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा कि ये बच नहीं सकता। तो मेरे घर वालों ने कहा कि भाई आप डिमांड बोलिए, 5 लाख 10 लाख 15 लाख, कि आप 15 लाख की बात कर रहे हो, यदि 15 करोड़ भी दोगे तो हम इसको बचा नहीं सकते, 15 दिन या 20 दिन ये आदमी निकालेगा। हमने बाबा वीर तेजा जी का नाम सुना था लेकिन याद नहीं किया। बाबा के नाम की एक तांती मेरे गले में डाली और 20 रोज में मैं एकदम सही हो गया। आज उसी आस्था को लेके मैं 23 महीने से बाबा के महीने की महीने आता हूँ और अब की बार बाबा ने मुझे सेवा का मौका दिया कि मैं 1 महीने से बाबा की सेवा दे रहा हूँ और आने वाले समय में भी मैं ऐसे ही सेवा देता रहूँगा और देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मैं प्रचार करूँगा कि वास्तव में नेचुरल पावर भी कोई पावर है, जो है वो सुरसरा धाम में है। पारिक साहब का कहना है कि बहुत सारे मंदिर हैं लेकिन आस्था का, एक विश्वास का प्रतीक है ये सुरसरा धाम, जहाँ पर तेजाजी की समाधि है। और कहते हैं कि तेजाजी गायों के रक्षक थे, वचन के पक्के थे और उन्होंने अपने वचन के खातिर ही अपनी जान दे दी। यहाँ पर जो तेजाजी है उनकी समाधि स्थल है, तो किस तरह की आस्था है लोगों में यहाँ को लेकर, और आज के दिन जब मेला लगता है तेजाजी होती है तो क्या मान्यता लेकर लोग आते हैं? यहाँ की भीड़ को देखते हुए तो लगता है कि बहुत ज़्यादा मान्यता है और बहुत ज़्यादा रश है यहाँ और काफ़ी लोग उत्सुक नज़र आते हैं इस तरह से। कोई विशेष मान्यता है या जिनको लेकर, जैसे आप लोग भी आए हैं और क्योंकि आप कोटा में भी हैं तो आपको क्या लगता है वहाँ पे तेजादशमी वहाँ पे भी है, लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, तो कोई विशेष महत्व इस जगह का? इस जगह का तो तेजाजी यहीं के थे, यहीं पे उनकी जीप पे ढसा था इसलिए यहाँ की ज़्यादा मान्यता है और सब जगह तेजादशमी पे सब जगह जाते हैं। मैं कोटा की रहने वाली हूँ, वहाँ भी तेजादशमी पे हम जाते हैं और तेजादशमी को लेके लोगों में महत्व तो है ही बहुत ज़्यादा। और सांप वगैरह जैसे काट लेते हैं तो यहाँ लेके आते हैं कि उससे उनका जहर उतर जाएगा, इस तरह से मान्यता है। अच्छा चौहान साहब, क्या मानते हैं आपकी, तेजाजी को वचन का धनी भी माना जाता था, यूँ कहें कि वन्य जीव प्राणियों की रक्षा करने वाला माना जाता है? सुरसरा जो स्थान है वो तेजाजी के जो थे उनके जीव पर सांप ने डसा था, तो तेजाजी यहाँ के लोक देवता है और लोक देवता मतलब जनता की भलाई के लिए, गायें बचाने के लिए तेजाजी का वो युद्ध किया था, तो युद्ध करने के बाद वो घाव हो गए थे पूरे शरीर पर, तो साहब ने कहा था भाई वचन दिया था कहाँ डसू, तो उन्होंने कहा था भाई मेरी जीव ही एक बची है इस पर डस ले, तो ये स्थान वो है और इसकी बहुत बड़ी मान्यता पूरे देश विदेश में, और भीड़ को देखते हुए इनकी मान्यता है बहुत ज़ोरदार और लोग बाग पूछते हैं इनको और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि कहीं सांप डस जाते हैं या कोई भी जहरीला जंतु डस जाता है तो कोई इनके नाम से अगर डोरा बांधा जाए तो ऐसी कुछ भी मान्यता है? हाँ, इनकी मान्यता है जैसे सांप वगैरह कोई काट लेता है तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर रुकते हैं ये लोग और इलाज होता है इनका। कहाँ से आए
आप लोग कहाँ से? मैं मुंबई से आई हूँ। मुंबई से आए? तो मुंबई से और राजस्थान के एक अजमेर के छोटे से गांव में सुरसरा में, क्या मान्यता है, क्या मनोती है जो आप लोग यहाँ पे? तेजाजी महाराज की बहुत मान्यता है, दूर दूर से बहुत इनको मानते हैं और बहुत सुना है इनके बारे में, और हम लोग भी बहुत मानते हैं। ये चला के आते हैं, साल भर में एक बार यहाँ आते ही हैं बाबा के। क्या सुना है आपने तेजाजी के बारे में? बहुत सुना है इनकी कि मानते हैं इनको, चमत्कारों के बारे में बहुत सुना है और बहुत मानते हैं। आप लोग यहाँ पे आते रहते हैं? हाँ, आने जाने के लिए भी आए हैं और आज भी आए हैं और हर साल आते हैं यहाँ पे। क्या आप राजस्थान, मूल राजस्थान के मुंबई में? नहीं, राजस्थान से ही हैं हम, राजस्थान से ही हैं लेकिन चला के मुंबई से आते हैं यहाँ पे। अरे राजल ने तो लाए तेजाजी मायड़ सूमी लाई। तेजाजी की वीर गाथा पर कई गीत बने हैं और ग्रामीण उन्हें बड़े भाव से गाते भी हैं। राजस्थान में अलग अलग जगह पर तेजाजी के गीत अलग अलग प्रकार से गाए जाते हैं, लेकिन सबका भाव एक जैसा ही होता है। और गवे कटीड़े तोरा से पुरानी कंवर तेजा रे, कटीड़े तोरा से पुरानी माता जरणी, ये कटड़े तो पढ़िया ये नाड़ी नायेला, कटड़े तो पढ़िया ये नाड़ी नायेला। कूटिया तोरा से पुरानी कंवर तेजा रे, कूटिया तोरा से पुरानी कंवर तेजा रे, पोलिया में पढ़िया रे नाड़ी नायेला, पोलिया में पढ़िया रे नाड़ी नायेला। कटीड़े तो मूंगे जमारो बीजू माता जरणी, ये कटड़े तो बीजा ये अरड़ी बाजेरो, कटड़े तो बीजा ये बाजेरो। डेरिया तो मूंगे जवारो कंवर तेजा रे, डेरिया तो मूंगे जवारो कंवर तेजा रे, बुरोड़ा टीबा मयरड़ी बाजेरो, बुरोड़ा टीबा मयरड़ी बाजेरो। के मने मूंगे जवारो माता मरी, के मने मूंगे जवारो माता जरणी, के मन तो भी जाए हरड़ी बाजेरो, के मन तो भी जाए हरड़ी बाजेरो। नो मने मूंगे जवारो कंवर तेजा रे, नो मने मूंगे जवारो कंवर तेजा रे, दस मन तो बीजो रे हरड़ी बाजेरी, दस मन तो बीजो रे हरड़ी बाजेरो। एक और है, तेजाजी महाराज की जय, नड़ी वाले बाबा की जय। अरे सिमरो माता शारदार दूजा देवी गणेश, अरे तीजा तेज ले लाल नार ब्रह्मा विष्णु महेश, गाजो गाजो रे जगह जगह पर मेले भरते हैं, लेकिन सुरसरा की बात ही कुछ और है, क्योंकि यहाँ पर ही वीर तेजाजी ने अपने वचन के लिए और सत्यवादिता के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। और
आसपास के लोग ही नहीं पूरे राजस्थान के लोग वीर तेजाजी को अपना देवता मानते हुए यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोतियों को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी अपना देव के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।